हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरकुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9355500009, 9643971000, 7650027000। महावीर कॉलोनी से 4 बिजली मीटर चोरी, पुलिस कर रही जांच। शहर के बरौना मार्ग स्थित महावीर कॉलोनी से 4 घरों के बिजली मीटर चोरी होने का मामला सामने आया है। बिजली उपभोक्ता प्रेम सिंह, जितेंद्र, सुनीता, दर्शना ने पुलिस में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि रात्रि के समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घरों के मीटर उतारकर उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस मामले की जाँच करके चोरों को पकड़ा जाए व उनके घरों के बिजली मीटर दोबारा लगाए जाएँ ताकि उनके घर में बिजली सुचारू रूप से चलती रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रात्रि को अचानक बिजली गुम हो गई। शुरुआती समय में परिजनों ने सोचा कि बिजली चली गई होगी, लेकिन सुबह जब और घरों में बिजली थी लेकिन उनके घर में बिजली नहीं थी, तब इसकी जांच की गई और मीटर के पास पहुंची तो मीटर चोरी हुए मिले। खरकुदा में खूब छुड़ाए गए पटाखे, फिर बढ़ा प्रदूषण। खरकुदा में जिस तरह से बाजार में सरेआम पटाखे बेचे जा रहे थे, उसी तर्ज पर रात के समय खूब पटाखे छुड़ाए गए, जिससे प्रदूषण का लेवल भी काफ़ी बढ़ा। दीपावली के दिन शाम होते ही पटाखे छुड़ाने शुरू हो गए थे और खरकुदा शहर में खूब पटाखे छुड़ाए गए। वैसे तो जिला प्रशासन की तरफ से पटाखों का स्टोर करने व बिक्री करने पर भी पाबंदी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री के लिए कोई भी स्थल निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन खरकुदा में अवैध रूप से खूब पटाखे बिक्री किए गए। बात चाहे दिल्ली चौक की हो या थाना चौक की या पूरे बाजार की, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर आसानी से पटाखे ना मिल सकें। सरेआम खुले में सड़क पर अतिक्रमण करके पटाखों के स्टॉल लगाए गए। एक से एक महंगे पटाखे व रॉकेट यहाँ पर बिक्री किए गए। यही नहीं, आसपास के विभिन्न गाँवों व शहरों से भी लोग खरकुदा से ही पटाखे खरीद कर ले गए हैं। हालांकि नगरपालिका व पुलिस प्रशासन ने जो अभियान चलाया है वह भी फ्लॉप शो ही साबित हुआ। 3 युवकों ने एक युवक की छीनी मोटरसाइकिल। रोहना गांव के पास 334B मार्ग पर बने पुल के नीचे 3 युवकों ने एक युवक को रोककर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली। गांव छारा निवासी रोहित शर्मा ने बताया कि रात्रि के समय वह कुरुक्षेत्र से अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने गाँव छारा जा रहा था। ज़्यादा देर होने की वजह से उसने अपने फतेहपुर निवासी दोस्त अजय से अपने घर जाने के लिए मोटरसाइकिल मांगी थी। वह मोटरसाइकिल लेकर जब रोहने गांव के पुल के नीचे पहुंचा, तो एक मोटरसाइकिल पर बैठे 3 युवकों ने उसे रुकवा लिया। तीनों युवक उसके साथ ज़बरदस्ती करके मोटरसाइकिल को छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गढ़ी सिसाना गाँव में झगड़ा, महिलाओं सहित 10 पर FIR। गढ़ी सिसाना गाँव में एक प्लाट की नींव भरने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस ने घायल बलवान की शिकायत पर महिलाओं सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। गढ़ी सिसाना के रहने वाले बलवान का कहना है कि वह खेतीबाड़ी करता है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने प्लाट की नींव भर रहा था। इस दौरान दोपहर के समय उसके परिवार से आई कई अन्य सदस्य भी मौके पर आ गए और उन्हें प्लाट में नींव भरने से रोकने लगे। बलवान का कहना है कि इसके बाद उन्होंने हम पर हमला बोल दिया, लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया। लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया, जिसके बाद आरोपी उन्हें जान से मार देने की धमकी देकर फरार हो गए, जिसके बाद उन्हें खरकुदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें PGI खानपुर रेफर किया गया। घायल बलवान की शिकायत पर पुलिस ने महिलाओं सहित 10 लोगों को नामजद करने के साथ ही अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। पैदल चल रहे युवक को कार ने मारी टक्कर, मौत के बाद मामला दर्ज। सैदपुर सोहटी मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विशनपुर जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ के रहने वाले गंगा रत्न का कहना है कि वह हाल समय में कुंडल गांव में किराए के मकान पर परिवार के साथ रहता है। अपने बेटे बीरू झांगड़े को लेकर वह देर रात 8 बजे के करीब सैदपुर में आया हुआ था। काम निपटाकर जब वे दोनों पैदल पैदल वापस घर की तरफ लौट रहे थे, तो उससे कुछ ही दूरी पर उसका बेटा आगे चल रहा था। उसके देखते ही देखते पीछे से आई एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसके बेटे को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया।
उसने भागकर अपनी बेटी को संभाला तो पाया कि उसके सिर, गर्दन और कमर पर गहरी चोट आई है। इसके बाद वह उसे इलाज के लिए सोनीपत के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन चिकित्सक ने जांच करने के बाद उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बीरू जांगड़े के शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव को परिजनों के हवाले कर दिया। शिकायत पर सैदपुर चौकी पुलिस ने गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कन्या महाविद्यालय खरकुदा में 100 छात्राओं का योग क्लब शुरू। कन्या महाविद्यालय खरकुदा में उच्चतर शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार 100 छात्राओं का एक योग क्लब शुरू किया गया है। योगा क्लब इंचार्ज डॉक्टर प्रमेला ने प्राचार्य डॉक्टर दर्शना दहिया के नेतृत्व में योग कक्षाएं लगाई। इस योग कक्षा में स्पोर्ट, न्यूट्रिशन एंड फिजियोथेरेपी विभाग से ज्योति ने छात्राओं को योग एवं प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसी योग क्रियाएं करवाई। सरकार का लक्ष्य है कि योग क्लब की स्थापना से विद्यार्थी योग के विविध पक्षों का और अधिक गंभीरता से अध्ययन, आचरण एवं अनुसरण कर पाएंगे। योग क्लब में विद्यार्थियों को महर्षि पतंजलि प्रवीण अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि की जानकारी, गीता श्लोक उच्चारण एवं स्मरण के साथ साथ योगासन खेलों में भी पारंगत और निपुण किया जाएगा, ताकि उनका शारीरिक एवं मानसिक संवर्धन सभी विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय सिद्ध हो सके। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।